हेलो एवरीवन वेलकम टू कैप एकेडमी सो कंट्रोल सिस्टम में आज हम स्टार्ट करेंगे द सिग्नल फ्लो ग्राफ तो उसके पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन ओके तो ब्लॉक डायग्राम जो रिडक्शन है तो हम क्यों यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम वी यूज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और उसका और एक क्या है टू डिटरमाइन एट द ट्रांसफर फंक्शन जो भी मेरा कंट्रोल सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ तो तो आज हम जानेंगे तो program, ये जो सिग्नल फ्लोग्राफ है ये भी एक पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम तो एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम का पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन को भी हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका क्यों यूज होगा दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम जो मेरा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन था वो भी क्या था वो भी एक था ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए फॉर ए कंट्रोल कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम ए सिग्नल फ्लो ग्राफी यूज होता है टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम ये भी एक पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम क्लियर तो चलिए तो इस दोनों के में के बीच में डिफरेंस क्या है तो देखिए अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहा हूँ ठीक है तो अगर मैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में करूंगा उसको सॉल्व करूंगा उसका मेथड ब्लॉक डायग्राम मेथड में सॉल्व करूंगा तो जितना टाइम टेकिंग होगा सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या होगा उससे कम टाइम टेकिंग अगर एग्जाम में आपका कोई भी एक ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का क्वेश्चन आ रहा है और उसको ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए दिया होगा आपको तो आप क्या करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन इफ यू यूज सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक देन क्या होगा उसका जो भी टाइम टेकिंग है क्वेश्चन का वो टाइम कम हो जाएगा और आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ तो चलिए कैसे हम एक ब्लॉक डायग्राम को और एक ब्लॉक को सिग्नल फ्लो ग्राफ पे कन्वर्ट करेंगे चल सो so, देखिए यहाँ पे एक मेरा ब्लॉक डायग्राम है तो उसको हम क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे उसको हम रिड्यूस करेंगे सिग्नल ग्राफ में तो उसके लिए क्या करेंगे पहला चीज है मेरा टू फाइंड आउट द इनपुट एंड आउटपुट नोड पहले हमको क्या करना है यहाँ पे नोड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखिए दिस इज माय इनपुट तो ये हो गया एक नोड तो मैं इसको नमिंग कर रहा हूँ नंबर वन ओके एंड उसके बाद देखिए ये ये भी हो गया एक नोड ये आउटपुट हो गया ठीक है ये भी हो गया नोड दिस इज योर इनपुट नोड तो इसको हम बोलेंगे इनपुट नोड तो मैं इसको इनपुट नोड बोल सकता हूँ इसको हम बोलेंगे आउटपुट नोड क्लियर उसके बाद नंबर टू इज जो भी मेरा ब्लॉक डायग्राम में जितना भी मेरा समिंग पॉइंट एंड टेक टेकऑफ पॉइंट आ रहा है उसको हम एक नोड में रिप्रेजेंट करेंगे क्लियर पहले क्या करेंगे इनपुट नोट आउटपुट नोट करेंगे हो गया दिस इज पॉइंट पॉइंट है उसके बाद जितना भी मेरा समिंग पॉइंट एंड टेक टेकऑफ पॉइंट आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे एक नोड में रिप्रेजेंट करेंगे तो चलिए यहां पे देखिए दिस इज इनपुट नोट मैं उसको वन ले रहा हूं उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मेरा समिंग पॉइंट है दिस इज योर नोड टू क्लियर उसके बाद यहाँ पे आ गया एक स्विंग पॉइंट दिस इज माई नोड थ्री नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑफ पॉइंट आ रहा है दिस इज माई नोड फोर ओके यहाँ पे आ गया एक ऑफ पॉइंट दिस इज माई नोड फाइव यहाँ पे आ गया है पॉइंट नोड सिक्स क्लियर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक ऑफ पॉइंट है दिस इज उटपुट नोड को मैं नेमिंग कर रहा हूं नोट एट में ठीक है तो उसके बाद क्या करेंगे उसको हम ड्रॉ करेंगे कैसे नोड वन नोड टू नोड थ्री नोड फोर नोड फाइव सिक्स सेवन एंड एट क्लियर ये हो गया हमारा टोटल नोड ओके उसके बाद देखिए क्या करेंगे ना हम उसको बाद हम पाथ डिसाइड करेंगे तो पाथ क्या है कोई भी नोड से दूसरा नोड का जो भी सिग्नल फ्लो होगा एक नोड से दूसरे नोड को जो भी सिग्नल फ्लो होगा उसको हम पाथ बोलेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं तो उसको हम क्या करेंगे पॉइंट वन और नोड वन से नोड टू को एक पाथ फ्लो हो रहा है तो उसका गेन कितना है मेरा अगर कोई भी गेन नहीं होगा तो उसको हम वन ले लेंगे गेन इज वन क्लियर उसके बाद नोट टू से नोट थ्री नोट टू से नोट थ्री गेन कितना है मेरा ये भी एक पार्ट है गेन है मेरा जी वन क्लियर उसके बाद नोट थ्री से नोट फोर नोट थ्री से नोट फोर गेन कितना है मेरा G2 G2 क्लियर ओके उसके बाद देखिए नोड फोर से नोड फाइव गेन कितना है नोड फोर से नोड फाइव हो गया गेन मेरा G3 G3 क्लियर और नोड फाइव से और एक मेरा पाथ जा रहा है नोड थ्री को क्लियर तो नोड फाइव से मैं यहां पे नोड थ्री को कनेक्ट कर रहा हूं उसका गेन कितना होगा तो एच वन यहाँ पे माइनस साइन है तो मैं इसको बोल सकता हूं माइनस एच वन क्लियर तो इसका गेन हो गया मेरा माइनस एच वन नेक्स्ट इज नोड फाइव से नोड सिक्स नोड फाइव से नोड सिक्स गेन कितना होगा जी फोर क्लियर उसके बाद नोड सिक्स नोड सेवन नोड सिक्स से नोड सेवन से कितना होगा नोड सिक्स एंड नोड सेवन गेन कितना है वन नोड से नोड एट गेन हो गया मेरा वन और उसके बाद सिक्स से फोर नोड सिक्स से नोड फोर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है पाथ तो उसका हम क्या बोलेंगे दिट इज माई जी फाइव ओके नोड सेवन से और एक पाथ कनेक्ट हुआ है नोड टू को नोड टू को दिस इज टू दिस इज योर एच टू तो यह हो गया मेरा सिग्नल फ्लोग्राफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ए ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ये ब्लॉक डायग्राम को हम अभी कन्वर्ट कर चुके हैं सिग्नल फ्लोग्राफ में ठीक है तो आ गया यह हो गया मेरा सिग्नल फ्लोग्राफ तो उसमें देखिए तो इसमें क्या हो गया मेरा पहला पॉइंट है मैं उसमें नोड ओके नोड इनपुट आउटपुट उसके बाद जो भी मेरा समिंग पॉइंट है और टेक अप पॉइंट है उसका हम एक नोड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद क्या होगा उसके बाद हम क्या करेंगे सेकंड में हम पाथ डिसाइड करेंगे पाथ तो कोई भी एक नोड से दूसरे नोड को कैसे हम सिग्नल फ्लो कर रहे हैं उसको हम पाथ बोलेंगे ठीक है तो ये हो गया पाथ और उसका हम 1g1 g2 ये हो गया पाथ गेन ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा मेरा नंबर 3 फॉरवर्ड पाथ फॉरवर्ड पाथ ये फॉरवर्ड पाथ क्या होता है पाथ द सिग्नल फ्लोइंग फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ जो भी पाथ में मेरा इनपुट से आउटपुट को सिग्नल फ्लो होगा तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ तो देखिए यहां पे देखिए फॉरवर्ड पाथ में यहां पे कहां पे हो रहा है यहां पे एक फॉरवर्ड पाथ है मेरा दिस वन इज माय फॉरवर्ड पाथ 1 से लेके 8 तक उसके बाद 1 से लेके 4 उसके बाद सिक्स ये हो गया तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर फोर इज माई फॉरवर्ड पाथ फॉरवर्ड पाथ गेन जितना सारा गेन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम फॉरवर्ड पाथ गेन बोलेंगे तो यहां पे देखिए उसको हम पी वन में डिपेंड करेंगे तो पी वन में फॉरवर्ड पाथ गेन कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वन इन टू G1 वन इंटू जी टू इंटू जी थ्री इंटू जी फोर इंटू वन इंटू वन दिस इज ये अगेन और एक होगा फॉरवर्ड पाथ गेन टूट इज इक्वल टू वन इंटू जी वन इंटू जी टू इंटू इंटू जी फाइव इंटू वन इंटू वन ये हो गया फॉरवर्ड पाथ गेन ठीक है लूप फॉर्ट इज ए लूप इन दिग्नल फ्लोग्राफ सिग्नल फ्लोग्राफ में हम लूप किसको बोलेंगे कोई भी एक पार्थ एक नोड से स्टार्ट होके उसी नोड में अगर एंड होगा कोई भी एक पार्थ एक ही नोड में स्टार्ट है के और उसी नोड में एंड होगा तो उसको हम बोलेंगे लूप तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए ये, ये, हो ये पूरा होके उसके बाद यहाँ पे एंड हो रहा है तो इसको हम एक लूप बोलेंगे ठीक है उसके बाद देखिए ये जो थ्री से फोर फोर से फाइव और फिर फाइव से थ्री आ रहा है तो उसको भी हम एक लूप बोलेंगे ठीक है एक टू से थ्री थ्री से फोर फोर से फाइव फाइव से सिक्स सिक्स से सेवन दूसरा आ रहा है सेवन से टू तो इस नोड पे टू नोड में स्टार्ट हो रहा था अगेन उसका सिग्नल आके टू नोड में एंड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक लूप ठीक है नेक्स्ट इज नंबर सिक्स इज लूप गेन लूप गेन ओके तो यहाँ पे लूप गेन क्या होगा तो यहां पे देखिए मैं अभी बोल चुका हूं यहाँ पे मेरा सिर्फ दो ही लूप आ रहा है ठीक है तो L1 जो भी है वट इज एल वन मैं बोलूँगा जी वन जी टू देन जी थ्री देन जी फोर देन एच टू ये हो गया एक लूप गन ठीक है टू से थ्री तो इसको हम बोलेंगे टू से थ्री तो उसको हम अगर टू नोट से थ्री थ्री से फोर फोर से फाइव फाइव से सिक्स सिक्स से सेवन सेवन से अगेन टू में आ रहा है ये हो गया सेकेंड वन इज लूप गेन टू हम लिख सकते हैं कितना जी टू से लेके जी टू जी थ्री माइनस एच वन ये भी एक लूप गेन है तो ये कौन सा लूप में आएगा तो उसको हम बोलेंगे थ्री से फोर फोर से फाइव अगेन फाइव से थ्री ठीक है ये हो गया हमारा लूप गेन तो देखिए इसमें कितना कितना पॉइंट आ रहा है सिग्नल फ्लो ग्राफ में पहला है नोड 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 है मेरा मेरा जो जो भी नोड, जो भी इनपुट आउटपुट उसके बाद समिंग पॉइंट पॉइंट और टेकअप आएगा उसको हम नोड में रिप्रेजेंट करेंगे उसके बाद आएगा पाथ पाथ क्या है ना एक नोड से स्टार्ट होकर इनपुट नोड से और आउटपुट नोड एक नोड से स्टार्ट होगा गया दूसरे नोड में एंड होगा जो भी मेरा पाथ और सिग्नल फ्लो करेगा उसको हम पाथ बोलेंगे तो फॉरवर्ड पाथ क्या है ना फॉरवर्ड पाथ है मेरा इनपुट नोड से लेके आउटपुट नोड तक किस कौन सा डिरेक्शन में, में मेरा सिग्नल फ्लो कर रहा है उसको हम फॉरवर्ड पाथ अलग बोलेंगे और उसमें फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है द गेन इन विच द फॉरवर्ड पाथ इज फ्लोइंग फॉरवर्ड पाथ गेन तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड पाथ गेन पी वन एंड पी टू पी वन वन जी g4 1 एंड 1 ठीक है 1 से लेके 8 तक p2 हो गया हमारा 1 g1 g2 उसके बाद G5, फाइव देन अगेन वन एंड वन दिस इज योर फॉरवर्ड पाथ गेन उसके बाद आ गया मेरा लूप लूप क्या है कोई भी एक सिग्नल एक ही लूप से स्टार्ट होके फिर आके उसी लूप में अगर एंड होगा तो उसको हम बोलेंगे लूप ठीक तो है तो लूप गेन क्या है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा दो ही लूप आ रहा है देट इज योर लूप टू से स्टार्ट होके अगेन लूप टू से एंड हो रहा है तो उसका गेन हो गया जी वन जी टू जी थ्री जी फोर एंड एच टू अगेन लूप थ्री नोड थ्री से स्टार्ट होके नोड फोर नोड फाइव अगेन नोड थ्री को आ रहा है तो उसका हो हो गया G2, G3 minus H1. Clear? Clear हो गया? ठीक है इतना उसके बाद और एक पॉइंट आएगा टू नॉन टचिंग लूप ठीक है तो ये नॉन टचिंग लूप क्या होता है तो दो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे L1 और L2 ले रहा हूँ दो ही लूप आ रहा है मेरा L1 वन एंड एल तो L1 वन एंड एल, एल टू को मैं कब बोलूंगा ये दोनों नॉन टचिंग लूप है तो कैसे बोलूंगा अगर कोई भी अगर गेन इसमें लूप वन में होगा और लूप टू में प्रेजेंट नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे जी वन प्रेजेंट है यहाँ पे जी वन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे जी टू है यहाँ पे जी टू है तो मतलब यहाँ पे भी जी टू गेन है यहाँ पे भी जी टू टू गेन है तो ये दोनों लूप मेरा नॉन टचिंग लूप नहीं है क्योंकि ये दोनों टच हुआ है G1, G2, G3, G4 ये ये लुप एंड G2, G3 ये लूप ये दोनों टचिंग लूप है ये दोनों नॉन टचिंग लूप नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा है एक गेन G2, G2, G3, G3 अगर कोई भी लूप में एक गेन कॉमन आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे टचिंग लूप अगर गेन कॉमन नहीं आएगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन टचिंग लूप क्लियर ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम और ए ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम टू ए सिग्नल फ्लो ग्राफ एक ब्लॉक डायग्राम को मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा और उसका कुछ पॉइंट जैसे नोर पाथ फॉरवर्ड पाथ फॉरवर्ड पाथ गेंद और लूप लूप गेंद ठीक है तो इतना हो गया मेरा नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे तो हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे देट इच क्या है कि क्या मांगा है फॉरवर्ड पार्थ एंड इंडिविजुअल लूप तो, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे उस सिग्नल फ्लोग्राफ में हमको फॉरवर्ड पार्थ फाइन काउंट आउट करना है तो वट इज द फॉरवर्ड पार्थ फॉरवर्ड पार्थ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना फॉरवर्ड पाथ होगा तो मैं बोलूंगा P1 P1 पी वन दट इज योर वन इंटू वन इंटू जी वन इंटू जी टू इंटू जी थ्री इंटू वन ये हो गया फॉरवर्ड पाथ वन नोड वन तो इसको हम बोल सकते हैं नोड वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ये एक फॉरवर्ड पाथ है सेकेंड फॉरवर्ड पाथ क्या होगा दैट इज वन पी टू हम बोलेंगे वन इंटू एच वन इंटू जी थ्री इंटू वन ये हो गया फॉरवर्ड पाथ तो उसका नोड क्या होगा हम बोलेंगे वन टू वन नोड से टू नोड टू नोड से डायरेक्टली आ गया हमारा फाइव को 5 से आ गया हमारा 6 को 6 से 7 ये एक नोड हो गया ठीक है ये एक फोर्ड पार्ट एंड थर्ड वन हिज में P3 फटे में P3 P3H 1 into 1 into 1 into G1 into G4 into 1 तो ये फोर्ड पार्ट क्या होगा इसमें हम नोड कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो गया 1 से लेके 2 से लेके थ्री थ्री से लेके फोर फोर से लेके डायरेक्टली सिक्स फोर से लेके सिक्स सिक्स से लेके सेवन तो ये हो गया मेरा एक फॉरवर्ड पाथ तो देखिए यहां पे मेरा तीन ही फॉरवर्ड पाथ आएगा पी वन पी टू एंड पी थ्री क्लियर तो ये हो गया मेरा फॉरवर्ड पाथ उसके बाद क्या मांगा है मेरे को इंडिविजुअल लूप तो व्हाट इज माय इंडिविजुअल लूप हियर तो इंडिविजुअल लूप तो क्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज माय इंडिविजुअल लूप दैट इज हम यहां पे बोलेंगे इंडिविजुअल इंडिविजुअल लूप तो यहां पे इंडिविजुअल लूप कितना आएगा एल वन एल वन का वैल्यू कितना आएगा मेरा यहां पे देखिए तो यहां पे देखिए एक हो गया मेरा जी थ्री जी थ तो ये कौन सा नोड है मेरा फाइव से लेके सिक्स फाइव से लेके सिक्स सिक्स से लेके फाइव ठीक है ये हो गया मेरा एक इंडिविजुअल लूप। सेकेंड इंडिविजुअल लूप क्या होगा एल टू एल टू का वैल्यू क्या आएगा देखिए तो एल टू में बोल सकता हूं वन इंटू वन इंटू जी वन इंटू जी टू इंटू जी थ्री ओके, देन माइनस वन देन माइनस वन तो ये हो जाएगा मेरा और इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं माइनस जी वन जी टू जी थ्री तो इसका नोड क्या आएगा मेरा इसका नोड आएगा मेरा देट इज टू से लेके टू से थ्री थ्री से फोर फोर से फाइव ओके okay? जी वन जी टू जी थ्री फाइव से लेके सिक्स एगेन सिक्स से लेके टू दिस इज माई एल टू वेल्यू और इंडिविजुअल लूप नंबर टू एगे और एक आएगा एल थ्री एल थ्री का वेल्यू क्या आएगा मेरा अभी फॉर एल थ्री वेल्यू तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एल थ्री ओके एच वन एच वन इन जी थ्री इंटू माइनस वन एच वन जी थ्री माइनस वन ओके तो इसका कौन सा नोड है तो ये नोड हो गया मेरा टू से लेके फाइव फाइव से लेके सिक्स सिक्स से लेके टू ठीक है ये हो गया एल थ्री और एक आएगा एल फोर डेट इज तो उसका वैल्यू क्या आएगा एल फोर का वैल्यू एल फोर का वैल्यू में बोल सकता हूं जी वन जी वन ओके देन आएगा जी फोर देन आएगा मेरा माइनस वन तो इसका नोट क्या होगा दैट इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं टू से लेके थ्री जी वन ओके जी वन हो गया मेरा टू से लेके थ्री टू से लेके थ्री थ्री से लेके फोर फोर से लेके सिक्स अगेन सिक्स से लेके टू ये हो गया एल फोर ओके तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस जी वन इन जी फोर क्लियर तो ये हो गया मेरा चारों इंडिविजुअल लोग एल वन एल टू एल थ्री एंड एल फोर और ये हो गया मेरा फॉरवर्ड पाथ पी वन पी टू एंड पी थ्री तो इस सिग्नल फ्लोग्राफ में

तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज माई गेन फॉर्मूला दैट इज माई माशंस गेन फॉर्मूला तो चलिए ये मासंस गेन फॉर्मूला क्या है सो मास गेन फॉर्मूला ओके सो

इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी के इंटू डेल के डिवाइडेड बाय डेल ओके, डिवाइडेड बाय डेल तो ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिग्नल फ्लोग्राफ बाय यूजिंग द समेशन ऑफ पी के इंटू डेल के डिवाइडेड बाय डेल सो इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पार्थ इज दर्ड पार्थ तो, तो कितना मेरा फॉरवर्ड पार्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉरवर्ड पार्थ ओकेट इज पी के पी के इज इक्वल टू केड पार्थ के

सम ऑफ इंडिविजुअल लूप इंडिविजुअल लूप गेन ओके सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन क्लियर डेल इज टू वन माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन तो इसको हम आप लिखे जो भी आपका कॉपी भी लिख के रखिए ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, जाएगा दैट इज डेल्टा इज इक्व टू वन माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लुप गेन प्लस सम ऑफ लूप गेन लूप गेन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप नॉन टचिंग नॉन टचिंग लूप क्लियर सम ऑफ लूप गेन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप नेक्स्ट माइनस सम ऑफ सम ऑफ लूप गेन लूप गेन ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप नॉन टचिंग नॉन टचिंग लूप ओके प्लस सो ऑन दिस इज द डेल्टा फॉर्मूला तो इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे डेल्टा को निकालेंगे ठीक है व्हाट इज द डेल्टा वैल्यू उसके बाद क्या हो गया व्हाट इज़ द डेल के वैलू व्हाट इज द डेल के वैल्यू तो मैं बोल सकता हूं डेल के इज इक्वल टू डेल्टा फॉर रिमूविंग रिमूविंग द रिमूविंग द केथ फॉरवर्ड पाथ फॉरवर्ड पाथ ओके जो भी मेरा जितना भी फॉरवर्ड पाथ है उसको अगर रिमूव कर करने के बाद कोई भी एक लूप आएगा उसको हम बोलेंगे डेल के इज इक्वल टू डेल्टा तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला फॉर गेन तो मास मासन फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम उसका ट्रांसफोर फंक्शन निकालेंगे कोई भी एक सिग्नल फ्लो ग्राफ का ठीक है तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा तो कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे और इसका प्रोसीडियर क्या है कैसे हम डेल निकालेंगे

डेल के डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू दैट इज माय डेल ओके तो यहां पे देखिए व्हाट इज द के वैल्यू के इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ तो यहाँ के इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं के इज इक्वल टू तो यहां पे मेरा दो ही फॉरवर्ड पाथ आएगा तो so, क्या दैट इज पी वन इज इक्वल टू क्या होगा पी इज इक्वल टू जी वन जी टू ये पार्थ एंड पी टू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं

एक हो गया दाई तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कौन सा लूप आएगा दट इजी वन ये एक लूप आएगा मेरा माइनस एच वन ओके और एक आएगा मेरा जी वन और ये आएगा प्लस वन ये जी वन दो ही लूप आएगा ठीक है तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे टू नॉन टचिंग लूप फाइंड करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरा लूप है यहाँ पे देर इज नो टू नॉन टचिंग लूप टू नॉन टचिंग लूप क्या होगा जीरो क्योंकि ये दोनों लूप में कॉमन है एंड G1 G1, तो यहाँ पे कॉमन अगर जीवन होगा तो ये एक टचिंग लूप हो गया तो यहाँ पे टू नॉन टचिंग लूप जीरो आ गया तो तो वहां पे डेल का वैल्यू क्या आ जाएगा व्हाट इज द डेल वैल्यू डेल इज इक्वल टू वन माइनस एल वन प्लस एल टू प्लस जीरो ओके सो फॉर्डी था डेल वैल्यू दैट इज इक्वल टू वन माइनस जी वन एच वी तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं उसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू वन प्लस जी वन एच वन माइनस जी वन दट इज माई डेल वैल्यू डेल इज इक्वल टू वन प्लस जी वन एच वन माइनस जी वन क्लियर तो डेल के वैल्यू तो अगर डेल डेल के वैल्यू वैल्यू तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो so, क्या होगा 1 minus L1 plus L2 हम लिख सकते हैं तो अगर मैं जो भी जितना भी यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ है देखिए ये दो ही फॉरवर्ड पाथ है अगर ये दो ही फॉरवर्ड पाथ को दोनों ही लूप टच कर रहा है ये जी वन एच वन को भी ये फास्ट फॉरवर्ड पाथ में टच कर रहा है एंड जी टू एच टू जी टू वन एच थ्री ये भी मेरा फॉरवर्ड पाथ में टच कर रहा है तो यहाँ पे मैं यह को जीरो ले जा रहा हूं तो उसमें क्या होगा डेल वन इज इक्वल टू वन क्लियर तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा दैट इज ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू पी वन डेल वन डिवाइडेड बाई डेल ओके पी वन डेल वन प्लस यहाँ पर डेल टू का वैल्यू भी कितना आएगा डेल टू का वैल्यू भी वन आएगा प्लस मैं बोल सकता हूँ प्लस पी टू डेल टू डिवाइडेड बाई डेल सो वॉट इज बाय पी वन जी वन जी टू प्लस इंटू वन हम बोल सकते हैं डेल वन का वेल्यू वन प्लस जी वन जी थ्री जी वन जी थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाई वट इज माई डेल वैल्यू दैट इज वन प्लस जी वन एच वन माइनस जी वन ओके अगर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं अगर यहाँ पे जी वन को कमन ले रहा हूँ तो क्या होगा जी टू प्लस जी थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस जी वन एच वन माइनस जी वन तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ तो ये प्रोसीजर है टू तो डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ ठीक है तो चलिए ये हो गया कुछ सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड उसका कुछ न्यूमरिक थैंक यू